सो हेलो सब गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो यानी कि 69 यूट्यूब चैनल के एक नए शानदार वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोग जब रैंक पुश करते हो सोलो में तब गाइस क्या होता है। लास्ट में गाइस बहुत सारा बंदा मतलब ज़्यादा बंदा अलाइव नहीं रहता है और आप लोग क्या होते हैं मतलब किल नहीं मिलता, आप लोगों का फुल प्लस नहीं मिलता, तो लास्ट वाले टाइम पर आपको कैसे किल करना है सब कुछ डिटेल्स में बताऊँगा इस वाले वीडियो में। तो आपको सोलो रैंक पुश करने में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, मतलब आसानी होगा। सो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो गाइस ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं सीधा वीडियो को शुरू करता हूँ एंड गाइस मैच के अंदर जाके आपको बताता हूँ बेसिकली कैसे आपको खेलना है। ओके, सो सोलो में खेलने का और क्या क्या फ़ायदा है वो भी मैं बताऊँगा इस वाले वीडियो में। सो गाइस ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो गाइस सबसे पहले जब आपको मैच स्टार्ट होगा ना, सबसे पहले आपको गाइस क्या करना पड़ेगा, आपको लॉबी कैसा है वो देखना पड़ेगा। लॉबी गाइस मतलब उतना अच्छा खासा नहीं है तो वैसे जगह पे उतरना पड़ेगा, कैसे जगह पे उतरना पड़ेगा मैं बताऊंगा। एंड गाइस लॉबी अच्छा आया तो गाइस डिफरेंट जगह पर उतरना पड़ता है। जैसे ही गाइस ऐसे मैप ऐसे जब आ जाएगा ना, आपको गाइस मैप को ओपन करना है। मैप को ओपन करने के बाद आपको एक लाइन दिखेगा किधर से प्लेन जा रहा है। ओके, सो देखने के बाद आपको गाइस कहाँ पे उतरना है, जब देख रहे हैं कि हाँ अच्छा खासा लॉबी नहीं आया मतलब नूब बंदे आए हैं, तो गाइस आपको उतरना है मतलब ऐसे एक जगह पे जिधर गाइस आप लोग इजीली मतलब आपको इजीली गन वगैरह मिल जाए एंड इजीली उधर बंदा वगैरह आए किल भी कर सकते हैं। एंड गाइस और जब आपका मतलब बहुत ही तगड़ा बंदा आएगा ना, तब आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे जगह पे उतरना पड़ेगा ना, जैसे कि प्लेन के जो लाइन है मिडिल से लेके लास्ट तक एक ऐसे जगह पे उतरना पड़ेगा जिधर गाइस कम से कम बंदा आए एंड गाइस अच्छा खासा लूट मिल जाए। तो ऐसे उतरने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लूट करना पड़ेगा। लूट करने के बाद गाइस जो बंदा होगा आपको किल करो और गाइस एक गाड़ी लो, गाड़ी लेके सबको किल करो एंड गाइस आपका मतलब डैमेज भी इंक्रीज करो एंड गाइस किल करके आपका प्लस भी ले सकते हो। बट गाइस ए वाला लॉबी कैसा है, ए वाला लॉबी है विद मीडियम से मतलब अच्छा खासा बंदा नहीं आया। सो गाइस मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं गन लूँगा एंड गाइस किनारे पे देखा कि दूसरे साइड पे बंदा है। सो गाइस मैं गन लेने के बाद मैं उन लोगों को मारूंगा। सो गाइस मैं इधर से जा रहा था, मतलब इधर तो गन मिल गया मेरे को M60 एंड गाइस M60 मिल गया, जो मतलब P90 है ना वो मिल गया था एंड आगे जा रहा था एंड सामने वाला घर पे मेरे को मिल गया था UMP। ठीक है, UMP को मैं चेंज कर लेता हूँ और चेंज करने के बाद गाइस और इसके सामने वाले जो घर है ना मैं उधर घुसा और एक बंदा अचानक से मेरे सामने आ जाता है एंड मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है, और गाइस मैं नया फ़ोन में खेल रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रहा है सेंसिटिविटी कंट्रोल करने में, तो दिक्कत नहीं बाद में ठीक हो जाएगा खेलते खेलते। एंड गाइस इसको मारने के बाद गाइस मैं चला जाता हूँ वेंडिंग मशीन वाले घर में एंड उस टाइम पे गाइस आ गया था स्कैनर। स्कैनर आने के बाद गाइस स्कैनर में देखा कि बीमा शक्ति के ऊपर उधर बंदा है, तो गाइस उसको भी मारने के लिए इधर से चला जाता हूँ एंड जाने के बाद आपको मारने के बाद दिखाता हूँ फिर आपको क्या करना है। ओके, इधर गाइस मेरा एक किल हो जाता है एंड नेक्स्ट किल मतलब जो होगा बीमा शक्ति के ऊपर उधर जाने के बाद आपको दिखाता हूँ। सो गाइस बीमा शक्ति के ऊपर आ गया, इधर जो बंदा था गाइस मैं बोला था उतना अच्छा खासा लॉबी नहीं आया था, वो गाइस सामने भाग रहा था एंड उसको हेडशॉट से इधर किल हो जाता है एंड इधर गाइस मेरा 2 किल हो जाता है। 2 किल होने के बाद मैं लूट वगैरह करता हूँ और गाइस लास्ट में क्या आप लोगों का क्या होता है ना, जब अच्छा खासा लॉबी नहीं आता आप लोगों का किल नहीं मिलता है, लास्ट तक किल नहीं मिलता है, प्लस भी नहीं होता है, मतलब नॉर्मल लॉबी में टाइम भी वेस्ट एंड गाइस आपको मतलब प्लस भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। सो उस टाइम पर आपको क्या करना है, बेसिकली गाइस मैं इधर आया एंड गाइस गन वगैरह ढूंढ रहा हूँ एंड इधर गाइस मेरा 2 किल है, अभी 23 बंदे अलाइव है। सो गाइस मैं अभी क्या करूँगा, बंदे ढूंढने के लिए निकल पड़ूंगा, गाड़ी मिले तो गाड़ी लेके, नहीं तो गाइस नॉर्मली निकल पड़ूंगा और बंदा जिधर मिलेगा उधर बंदे को मारूंगा। ऐसे ही बेसिकली आपको खेलना है, सबसे पहले उतरने के बाद लूट करो, लूट करने के बाद बंदे मारना शुरू करो और ऐसे ही खेलोगे तो ईजिली आपको मतलब हर एक मैच अच्छा मतलब 40 से ऊपर प्लस मिल जाएगा। ओके, सो गाइस बढ़ते मतलब इसके बाद आपको क्या करना है, तो इस बीमा शक्ति के आने के टाइम पे मेरे को इधर मतलब पीक के साइड में एक बंदा मिला था जिसको गाइस मैं मारने के बाद मैं इस साइड में आया, मतलब पोचिनो के साइड में आया और जिधर गाइस वेंडिंग मशीन है ना उस वाले घर के पास से एक बंदा मार रहा था, जो कि गाइस उसको कैसे मारता हूँ आप लोग देखिए। एंड गाइस क्या ही बोलूँ, मतलब इधर मेरे को इतना डैमेज दिया था ना, मैं तो पहले देखा था बट वो इतना डैमेज दे देगा मेरे को पता नहीं था। ठीक है, मतलब आई थिंक फुट पीकर वगैरह था और मेरे पास कार था, कार से थोड़ा सा डैमेज दिया, डैमेज देने के बाद गाइस मेरे स्काइला था, स्काइला से ग्लू वाल थोड़ा एंड उसके बाद भी थोड़ा बहुत डैमेज दिया बट बंदा मरा नहीं और बंदा भाग रहा था दूसरे साइड में एंड गाइस मैं उसको पीक लेके मारने की कोशिश कर रहा था बट गाइस मेरा एम इतना ज़्यादा मतलब अटक जा रहा था ना, अटक नहीं मतलब स्लिप कर रहा था टाइप की तरह। ठीक है, और एम इतना मतलब
ऊपर चला जा रहा था ना, मेरे को मतलब बंदे से कनेक्ट नहीं हो रहा था। सो गाइज मैं उस बंदे को ढूंढने के लिए चला जाता हूँ, एंड गाइज इधर पेड़ के पास वो बंदा रहता है, एंड गाइज मेरे को फिर से बहुत ही ज़्यादा डैमेज देता है। मैं ग्लूवल लगाता हूँ, एंड गाइज मेरे पास स्काईलार था तो दिक्कत नहीं था, मैं ग्लूवल लगाया एंड हील थोड़ा बहुत बढ़ गया। एंड उसके बाद वो वाला बंदा थोड़ा सा निकला एंड थोड़ा बहुत डैमेज देने के बाद ग्लूवल लगाया, एंड फिर से जब निकला उसको डैमेज देने के बाद मार दिया। एंड मारने के बाद गाइज इधर मेरा चार किल हो जाता है, अभी भी 9 बंदे अलाइव रहते हैं। 4 किल से तो आप लोग जानते हैं फुल प्लस नहीं मिलेगा, सो गाइज मेरे को और भी किल करना पड़ेगा। सो इधर से इधर मतलब इसके बाद गाइज मैं जाऊँगा फैक्ट्री की तरफ, एंड उधर देखूंगा बंदा कितना मतलब बंदा है या नहीं। 9 बंदे अभी भी गाइस 8 बंदे अलाइव है मेरे को छोड़कर और 7 बंदा अलाइव है, तो मेरे को जाना पड़ेगा। और उधर गाइस मिनिमम 6-7 किल तो चाहिए ही चाहिए, सो नहीं हुआ तो गाइस मतलब फुल प्लस नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब एकदम 30 से कम प्लस मिलेगा। सो मेरे को बहुत ही ध्यान से खेलना पड़ेगा, टाइम के अंदर मेरे को किल करना पड़ेगा। सो गाइस बढ़ते वीडियो के आगे एंड थोड़ा सा इधर स्किप कर देते हैं। सो गाइस आपको बताया था कि मैं इस तरफ आऊँगा, मतलब फैक्ट्री की तरफ आऊँगा, एंड उसी टाइम पे गाइस एक बंदा गाड़ी लेके आया था, गाड़ी से उतरा और मैं गाड़ी से उसको उड़ा दिया। उड़ाने के बाद गाइस इधर मेरा 5 किल हो जाता है, एंड इसके बाद जो जरा लूट रहता है ना मैं लूट लेता हूँ। लूट लेने के बाद गाइस मैं गाड़ी लेके क्या करूँगा, जोन के अंदर जाऊँगा, एंड जोन के अंदर जाने के बाद गाइस कैसे बुझा लेता हूँ देखिए। मतलब नॉर्मल लोग आए ना, आपको बेसिकली ऐसे ही खेलना पड़ेगा, ऐसे नहीं खेलोगे तो गाइस मतलब आपका फुल प्लस ही नहीं होगा, ठीक है। और गाइस इधर मैं आप देख सकते हैं मैं मतलब गाड़ी में बैठा है, जोन के अंदर जाऊंगा। अभी गाइस 5 बंदे अलाइव रहते हैं मेरे को छोड़ के, मतलब टोटल 6 बंदे अलाइव रहता है और मेरे को छोड़ के 5 बंदे अलाइव है। तो इधर गाइस क्या करूंगा, मैं बंदे ढूंढूंगा बंदा किधर है एंड उसको मारूंगा। मारने के बाद गाइस पूजा करने की ट्राई करूंगा, एंड गाइस इस साइड में मतलब ड्रॉप गिरा था, मैं सोचा कि ड्रॉप के पास बंदा हो सकता है, तो गाइस मैं थोड़ा सा क्या किया रोटेशन लेके थोड़ा जा रहा था, एंड गाइस मेरा अंदाजा सही हुआ, ड्रॉप के पास बंदा था जो कि गाइस अभी इस साइड में नहीं थोड़ा सा दूर में बंदा था, जो कि गाइस मेरे को बहुत ही ज़्यादा डैमेज देगा, एंड गाइस उसको कैसे मारता हूँ आप खुद देखिए। ओके सो उसको गाइस मारने के समय आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा वीडियो को कट कर देता हूँ। ओके इधर जो गाइस बंदा रहता है ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा डैमेज देता है, आप लोग देख ही सकते हैं। मैं क्या करूँगा, ग्लू वाले के पास नहीं रहूँगा, मैं क्या करूँगा सीधा जाऊँगा मतलब पेड़ के पास, एंड वो वाला बंदा था पीछे पत्थर के पीछे था, ठीक है। मैं गाइस क्या करता हूँ, इधर ग्रेनेड लूँगा, ग्रेनेड लेके उसको ग्रेनेड करूँगा, ठीक है। ग्रेनेड करा एंड वो वाला बंदा भी गाइस बहुत ही ज़्यादा चालाक था, वो भी ग्रेनेड किया एंड मेरे ऊपर फट गया, लेवल 4 का भेज था इसलिए बच गया, ठीक है। और मेरे पास गाइस बहुत सारा ग्लू वाल था एंड इतना ज़्यादा ग्रेनेड कर रहा था ना क्या ही बोलूँ, बट मैंने क्या किया गाइस साइड में आया, ग्लू वाल लगाया एंड वो वाला बंदा रास कर रहा था, इजीली उसको मार दिया। मारने के बाद गाइस अभी भी 3 बंदा था और अचानक से और एक बंदा मर गया एंड एक ही बंदा लास्ट में अलाइव था जो कि गाइस पीक के साइड में था। मैं क्या करूँगा, पीक के साइड में जाके उसको मारने की कोशिश करूँगा, और इधर गाइस जितना लूट हो सके लूट लिया। लूटने के बाद गाइस मैं जाऊँगा सीधा पीक के ऊपर, ठीक है। मैं जानता हूँ उधर ही बंदा होगा क्योंकि गाइस ऐसा ही रोटेशन मार के बंदा आता है, थोड़ा सा अंदाजा लगा के आप खेलोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। सो गाइज मैं पीक की साइड में जा ही रहा था एंड अचानक से सामने देखा बंदा आया, एंड गाइज इधर मेरा गाइज स्कोप का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि गाइज आप लोग जानते हैं नया फोन खरीदा, तो मतलब उधर गाइज जब मैं सेटिंग वगैरह ना थोड़ा बहुत चेंजेस है क्योंकि मेरे हाथ में सेट नहीं हो रहा है, तो उसको गाइस पहले ठीक करूँगा, 2-1 दिन के बाद ठीक हो जाएगा, वो वाला दिक्कत नहीं है। लेकिन गाइस मैं इधर क्या करता हूँ आप लोग देखिए, इस वाले बंदे को थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ। डैमेज देने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको ग्लू वाल लगाया, ग्लू वाल को फोड़ूंगा और उसके बाद गाइस उसको मारने की कोशिश करूँगा। बट गाइस इधर क्या बंदा मेरे को बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे देता है, उसके पास गाइस कौन सा वाला गन था पता नहीं बट बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे देता है मेरा थोड़ा सा गलती की वजह से। एंड गाइस मैं इधर क्या करता हूँ, ग्रेनेड को कुक करता हूँ, ग्रेनेड कुक करने के बाद ग्रेनेड करता हूँ इधर। ग्रेनेड करने के बाद वो वाला बंदा सामने आता है, एंड गाइस इजीली उसको मतलब हेडशॉट एक थोड़ा सा लगाता है एंड स्कोप इन करके इजीली मार दिया। मारने के बाद गाइस इधर मेरा बोया हो जाता है, आई थिंक 7 किल से बोया होता है, एंड आप लोग पहले ही देखे थे कितना कम किल था, उसके बाद गाइस कम बंदा था फिर भी मेरा इतना किल हुआ। सो गाइस ऐसे आप खेलोगे तो मतलब अच्छा खासा किल भी होगा और 40 के ऊपर प्लस होगा आपका। सो गाइस वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, और ऐसे वीडियो को और भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और गाइस मैं कुछ दिनों के बाद थोड़ा अच्छा खासा कुछ करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, सरप्राइज है। मिलता है अगले वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।